हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में आज हम 17 जनवरी 2019 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हर क्वेश्चन के साथ आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे जिसे आपको नोट करते हुए चलना है। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं मनु साहनी, राहुल द्रविड़, डेविड रिचर्डसन, शशांक मनोहर। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, मनु साहनी। मनु साहनी को ICC का नया CEO नियुक्त किया गया है। ICC ने घोषणा की है कि मनु साहनी को संगठन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। सिंगापुर स्पोर्ट्स हब के पूर्व CEO और ESPN स्टार स्पोर्ट्स के प्रबंध निदेशक साहनी ICC विश्व कप 2019 के बाद जुलाई में डेविड रिचर्डसन का पद संभालने के साथ संगठन में शामिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर ICC की बात आई है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर जो कि भारत के हैं, और इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवा अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं पुणे, औरंगाबाद, आगरा, चंडीगढ़। इसका राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, औरंगाबाद। नवा अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन औरंगाबाद में आयोजित किया जा रहा है। किसानों के बीच सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए जल संसाधन और नदी विकास मंत्रालय ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नवी अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन का आयोजन किया है। इस वर्ष सम्मेलन का थीम है सूक्ष्म सिंचाई और आधुनिक कृषि। फिर से थीम रिपीट कर देता हूँ, सूक्ष्म सिंचाई और आधुनिक कृषि। वर्तमान में हमारे जल संसाधन और नदी विकास मंत्री हैं नितिन गडकरी। अब यहाँ औरंगाबाद में आयोजित हो रहा है, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। यहाँ की कैपिटल है मुंबई, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और यहाँ के गवर्नर हैं विद्यासागर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत के सबसे कम आयु के शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? ऑप्शंस हैं सरजी करजाकिन, हरीश मेहता, डी गुकेश, प्रज्ञान श्रीनिवास। इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, डी गुकेश। डी गुकेश भारत के सबसे कम आयु के शतरंज के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तमिलनाडु के डी गुकेश जून 2018 में अपने राज्य के आर प्रज्ञानंद द्वारा दर्ज रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 12 वर्ष 7 महीने और 17 दिन के दूसरे सबसे कम आयु के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। गुकेश भारत के 59वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब ये विश्व के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं, तो सबसे कम उम्र के यानी कि पहले ग्रैंड मास्टर हैं यूक्रेन के सर्जी करजाकिन। ये सबसे कम आयु के ग्रैंड मास्टर हैं। उन्होंने सन 2002 में 12 वर्ष और 7 महीने की आयु में यह उपलब्धि हासिल की थी। अब डी गुकेश तमिलनाडु के हैं, इसके बारे में जान लीजिए आप। तमिलनाडु, यहाँ की कैपिटल है चेन्नई, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ईके पलानीसामी और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में लेनिन राजेंद्रन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शंस हैं पत्रकार, साहित्यकार, राजनीति, फिल्म। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, फिल्म। हाल ही में मलयालम निर्देशक और पटकथा लेखक लेनिन राजेंद्रन का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह केरल राज्य फिल्म पुरस्कार से 5 बार सम्मानित किए जा चुके हैं। उन्होंने अपनी फिल्म मकर मुंज के लिए सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म के लिए अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ
फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड भी प्राप्त किया था। वह केरल राज्य फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष भी थे। अब यहाँ पर केरल की बात आई है तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लीजिए। केरल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, यहाँ के गवर्नर हैं पी सदाशिवम और यहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने जीएसटी व्यवस्था के तहत रियल इस्टेट को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? ऑप्शंस हैं नितिन पटेल, सुशील मोदी, विमल जालान, वाईवी रेड्डी। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, नितिन पटेल। नितिन पटेल को जीएसटी व्यवस्था के तहत रियल इस्टेट को बढ़ावा देने के लिए जो समिति बनाई गई है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। सरकार ने जीएसटी शासन के तहत अचल संपत्ति क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 7 सदस्यीय समूह का गठन किया है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल इसके संयोजक होंगे। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री और गोवा के पंचायत मंत्री इसके सदस्य हैं। समिति संरचना में भूमि या किसी अन्य घटक के समावेश और बहिष्करण की वैधता की जांच करेगी और मूल्यांकन तंत्र का सुझाव देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित इमर्जिंग इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 में भारत के कितने संस्थानों को जगह मिली है? इसके ऑप्शंस हैं 55, 60, 70, 49। इसका राइट आंसर होगा 49, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित इमर्जिंग इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 में भारत के 49 संस्थानों को जगह मिली है। इन 49 में से 25 संस्थाएं शीर्ष 200 में जगह बनाने में सफल रही हैं। लंदन स्थित टाइम्स हायर एजुकेशन के अनुसार 2019 की सूची में सबसे अधिक जगह पाने वाला देश चीन रहा है, यानी कि चीन की देश की सबसे ज़्यादा संस्थाएं इस सूची में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ इम्बेक्स युद्धाभ्यास 2019 का दूसरा संस्करण शुरू किया है? ऑप्शंस हैं चीन, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका। इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, म्यांमार। भारत ने म्यांमार देश के साथ इम्बेक्स युद्धाभ्यास 2019 का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह अभ्यास चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन में शुरू हो गया है और यह इम्बेक्स युद्धाभ्यास का दूसरा संस्करण है। यह म्यांमार के साथ हो रहा है तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट जानिए। म्यांमार, यहाँ की कैपिटल है नेपिता, यहाँ की करेंसी है क्यात और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं विन मिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। महिला बॉक्सिंग टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं मोहम्मद अली कमर, अजय सावंत, भावेश पटेल, सूरज सिंह। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, मोहम्मद अली कमर। मोहम्मद अली कमर महिला बॉक्सिंग टीम के मुख्य कोच बने हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति मोहम्मद अली कमर ने देश की महिला मुक्केबाजी के लिए मुख्य कोच का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने शिव सिंह की जगह ली है। कमर का कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड 2002 के मैनचेस्टर संस्करण में लाइट फ्लाईवेट श्रेणी में आया था, यानी कि इस श्रेणी में इन्होंने जीता था। इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन, इसके बारे में जान लीजिए। इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन हैं अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला राष्ट्रीय EMRS राष्ट्रीय खेल मीट 2019 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस हैं चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ, हैदराबाद। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, हैदराबाद। पहला राष्ट्रीय EMRS राष्ट्रीय खेल मीट हैदराबाद में शुरू किया गया है। हैदराबाद के GMC बालयोगी स्टेडियम में जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री जसवंत सिंह सुमन भाई भाभोर ने EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के छात्रों के लिए पहली नेशनल लेवल स्पोर्ट्स मीट का उद्घाटन किया। मंत्री ने इस अवसर पर समर्पित एक ऐप भी लॉन्च किया। उस ऐप का नाम है EMRS स्पोर्ट्स मीट। इस कार्यक्रम में 17
1,775 छात्रों की भागीदारी है, जिसमें 975 लड़के और देश के 20 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली 802 लड़कियां शामिल हैं। EMRS, इसके बारे में जानिए। EMRS एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल की योजनाएं जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रमुख हस्तक्षेप में से एक है। यह भारत सरकार ने वर्ष 1997-98 में शुरू किया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनजातीय क्षेत्र के छात्रों को दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कराई जा सके। ये आज के यानी कि 17 जनवरी 2019 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का PDF लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।